Welcome the students of class 5th. You are now with me in the period of EVS, and today in this period we are going to study our chapter number 15. Chapter number 15. The name of the chapter is Eat When You Need. मीन्स खाओ जब आवश्यकता हो. इन दिस चैप्टर फर्स्ट पॉइंट हैज बीन गिवन व्हाई डिड द फूड गेट स्पॉइल्ड. भोजन जो है वो दूषित क्यों हो जाता है, खराब क्यों हो जाता है. द समर वेकेशंस हैड स्टार्टेड. द समर वेकेशन मीन्स गर्मी की छुट्टियां हैड स्टार्टेड, शुरू हो चुकी थी. हरप्रीत एंड राजी वर वेरी हैप्पी. हरप्रीत और राजी बहुत खुश थे. As they came to know, जिस प्रकार से उन्हें पता चला that the next day, कि अगले दिन, their parents, उनके माता-पिता, were taking them, उनको ले जा रहे थे to Jaipur, Jaipur को to meet their grandfather, अपने दादाजी से मिलाने. It is a long journey, ये एक लंबी यात्रा है. Long means लंबा, journey means यात्रा. ये एक लंबी यात्रा है. Everybody was busy making arrangements for the trip. Everybody means प्रत्येक was busy, व्यस्त था making arrangement, व्यवस्था करने में for the trip, उस trip के लिए जो journey वे करना चाहते थे. Their mother woke up early in the morning. उनकी मम्मी, उनकी माताजी woke up, उठी, जगी early in the morning. So वे जल्दी and cooked potato vegetable, और उन्होंने potato vegetable बनाई. Potato vegetable means आलू की सब्जी. And pulses, और दाल बनाई. And पूरी, और पूरी बनाई. She packed the tiffin, उसने टिफिन को पैक किया for the journey, उस यात्रा के लिए. And kept pickle, और पिकल को रखा. Pickle means अचार. And marmalade means मुरब्बा रखा in it, उसमें. They took a big water bottle, और उन्होंने एक बड़ा पानी का बोतल लिया. Also be along with them, उनके साथ में. They started their journey by train. उन्होंने ये अपनी यात्रा train से कब शुरू की. Journey, there's a word journey. Journey, journey means यात्रा, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना. Early in the morning at 6 a.m. सुबह जल्दी 6 बजे. There were many hawkers. बहुत सारे हॉकर्स थे. Do you know what is the meaning of hawkers? H-A-W-K-E-R-S. Hawkers. Hawkers means फेरी वाला, जो आवाज लगा लगा करके चीजों को बेचते हैं. In the train, train में selling different types of savory snacks, जो बहुत अलग अलग तरह के savory snacks, ट्रेन में घूमते हुए खाने की जो चीजें होती है लाइक आलू बड़े, नमकीन, ये जो बेचते हैं आवाज लगा लगा करके. जिस प्रकार से ट्रेन में चाय बेचने वाला आता है, चाय वाला, इस तरह से वो चाय बेचते हैं, नमकीन बेचते हैं. द चिल्ड्रन स्टार्टेड बीइंग स्टबर्न. बच्चे जो है बहुत उतावले हो गए फॉर ईटिंग देम. उनको खाने के लिए देयर फादर, उनके पापा ने टोल्ड देम, उनको बताया दैट मदर हैड कुक्ड, कि माँ ने बनाया है वेरी गुड फूड, बहुत अच्छा भोजन फॉर द जर्नी, यात्रा के लिए. एंड वी विल ईट दैट फर्स्ट, हम पहले वो खाएंगे, उसके बाद स्नैक्स की बारी आएगी. एज सून एज द मदर ओपन द टिफिन, जैसे ही, एज सून एज मतलब जैसे ही, मदर ओपन द टिफिन, मदर ने टिफिन खोला. शी सॉ, उसने देखा दैट द दाल हैड स्पॉइल्ड, कि दाल जो है वो दूषित हो गई थी, गंदी हो गई थी, खराब हो गई थी. एंड नीचे एक सीन दे रखा है, आप यहाँ देख सकते हैं. एक रेलवे प्लेटफॉर्म का सीन है, यहाँ बहुत सारे हॉकर्स हैं, पैसेंजर्स हैं, ट्रेन इज स्टैंडिंग एट प्लेटफॉर्म. नेक्स्ट पेज. राजी आस्क्ड हर मदर, राजी ने अपनी मदर से पूछा दैट हाउ डिड द दाल गेट स्पॉइल्ड, कि दाल कैसे खराब हो गई. मदर टोल्ड, मदर ने बताया दैट दाल गॉट स्पॉइल्ड, कि दाल खराब हो गई बिकॉज ऑफ एक्सेसिव. एक्सेसिव स्पेल इज देयर ई एक्स सी ई डबल एस आई
ve excessive means adhik excessive heat heat means garmi अधिक गर्मी के कारण दाल खराब हो गई इन द समर सीजन गर्मी के में गर्मी के दिनों में जब ज्यादा गर्मी पड़ती है तो दाल कुछ समय बाद पैक टिफिन में रहने के कारण खराब हो जाती है आई शुड नॉट हैव कुक्ड इट मुझे इसे नहीं बनाना चाहिए था यहाँ नीचे एक सर्कल में लिखा हुआ है ऑलवेज कंज्यूम फ्रेश फूड हमेशा ताजा भोजन खाए थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग सम क्वेश्चंस हैज बीन गिवन डाउन साइड ऑफ इट हाउ मच Have the mother come to know that the dal had spoiled. Mother को कैसे पता चला कि दाल खराब हो गई थी? Some other food items, दूसरे कुछ food items, खाने की चीजें, were also there, वहाँ भी थी. Why only the dal had spoiled? तो सिर्फ दाल ही खराब क्यों हुई? Why did the potato vegetable not spoil? आलू की सब्जी खराब क्यों नहीं हुई? Had they eaten the potato vegetable after 2 days? क्या उन्होंने आलू की सब्जी 2 दिन बाद खाई वो डिट बी एडेबल देन क्या तब भी वो आलू की सब्जी खाने योग्य रहेगी विच फूड आइटम्स विल नॉट स्पॉइल कौन से फूड आइटम्स खराब नहीं होते इवन आफ्टर 2-3 डेज 2-3 दिनों के बाद लाइक पूरी पिकल मार्मलेड और पोटेटो वेजिटेबल इन 4 चीजों में से कौन सी वेजिटेबल या कौन सी सब्जी है जो खराब नहीं होती राजी आस्क मदर राजी ने अपनी माँ से पूछा मदर मम्मी व्हाई द पिकल कि क्यों अचार सॉस एंड पोटैटो वेजिटेबल कि अचार सॉस और आलू की सब्जी डिड नॉट स्पॉइल इजीली आसानी से खराब क्यों नहीं होती देन फादर टोल्ड पापा ने बताया दैट द पोटैटो वेजिटेबल इज कुक्ड बाय फ्राइंग कि पोटैटो वेजिटेबल जो है आलू की सब्जी जो है उसको फ्राई करके बनाया जाता है इन ऑयल तेल में एंड इट इज ऑलमोस्ट ड्राई ये लगभग सूखी ही होती है इट मींस नो वाटर कंटेंट इज देयर कहने का मतलब ये है कि उसमें पानी ज्यादा नहीं होता सिमिलरली इसी तरीके से सिमिलरली न्यू वर्ड इज देयर एस आई एम आई एल ए आर एल वाई सिमिलरली मतलब इसी तरह से सिमिलरली इसी तरह से पिकल हैज ऑयल कि अचार में ऑयल मींस तेल होता है सॉल्ट नमक होता है एंड विनेगर विनेगर होता है इन इट उसमें एंड सॉस हैज प्रिजर्वेटिव्स और सॉस को संरक्षित किया जाता है दैट्स व्हाई दीस फूड आइटम्स डिड नॉट स्पॉइल इसलिए ये फूड आइटम्स खराब नहीं होते नीचे तो पिक्चर्स हैं यू कैन सी इन 15.2 ये पिक्चर्स हैं इसमें फंगस ऑन सरफेस ऑफ ब्रेड स्लाइस पहली जो पिक्चर है उसमें ब्रेड स्लाइस है और उसके ऊपर कुछ फंगस है ऐसा दिख रहा है कुछ हरा हरा भाग एंड चपाती और एक रोटी है उस रोटी के ऊपर भी कुछ हरा हरा भाग ऐसा दिख रहा है कि वो खराब हो गई इन ब्लॉक इट हैज बीन गिवन देयर इज अ ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन फूड कि खाने में छोटे छोटे बैक्टीरिया छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स खड़े हो जाते हैं तैयार हो जाते हैं उनकी ग्रोथ होती है ड्यू टू मॉइस्चर नमी के कारण मॉइस्चर स्पेल इज देयर एम ओ आई एस टी यू आर ई मॉइस्चर मॉइस्चर मींस नमी गीलापन उसके कारण एंड एयर और हवा एंड टेम्परेचर और तापमान टेम्परेचर स्पेलिंग इज टेम्परेचर इज देयर टी ई एम पी ई आर ए टी यू आर ई टेम्परेचर मींस तापमान तापमान के कारण भी खाना हवा के कारण और मॉइस्चर के कारण खराब हो सकता है एज अ रिजल्ट यदि हम परिणामों की बात करें देयर इज अ चेंज इन इट्स स्मेल एंड टेस्ट उसके स्वाद में टेस्ट में स्वाद और स्मेल में सुगंध उसकी गंध में और उसके स्वाद में फर्क पड़ जाता है सच टाइप ऑफ फूड इस प्रकार के भोजन स्पॉइल्स गंदे हो जाते हैं दूषित हो जाते हैं एंड इज नो मोर एडेबल और खाने योग्य नहीं रहते डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स अलग अलग तरह के रसायन केमिकल्स spelling of chemicals is this C-H-E-M-I chemi and C-A-L-S girls chemicals means rasayan are used उपयोग में लिए जाते हैं for preservation of the food खाने को सुरक्षित रखने के लिए सही रखने के लिए explore and write the answers of the following यहाँ कुछ questions हैं और ये सब बातें हो रही है वे एक ट्रेन में जर्नी कर रहे हैं और ट्रेन के अंदर बैठे बैठे ये सारी बातें हो रही हैं If they are not preserved, then यदि उनको प्रिजर्व नहीं किया जाए तो फूड आइटम्स दैट स्पॉइल इन 2-3 डेज ऐसे कौन कौन से फूड आइटम्स हैं जो 2-3 दिनों में खराब हो जाते हैं या फूड आइटम्स दैट स्पॉइल इन 3-4 डेज या 3-4 दिनों में कौन से
फूड आइटम्स खराब हो जाते हैं, खाने की चीजें खराब हो जाती है, फूड आइटम्स दैट स्पॉइल इन अ मंथ, महीने में कौन सी खराब होती है, फूड आइटम्स दैट डू नॉट स्पॉइल इवन वन ईयर, की एक साल भी खराब नहीं होती है. नेक्स्ट, फूड हाइजीन इज आवर न्यू टॉपिक. इन समर सीजन, गर्मी के दिनों में फूड स्पॉइल्स एट अ फास्टर रेट, खाना जो है वो जल्दी ही खराब होता है बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, क्योंकि ऊंचा तापमान होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिमेन एक्टिव, जो छोटे छोटे जीव होते हैं वो एक्टिव रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं, टू प्रिवेंट द फूड फ्रॉम स्पॉइल, खाने को खराब होने से बचाने के लिए वी कवर इट विद अ सील. एक स्पेलिंग आया है SIEVEC, सील मीन्स छलनी, मीन्स उसको छलनी से ढक देते हैं, कीप इन कूल प्लेस, और ठंडे स्थान पर रखते हैं. If a refrigerator is there, यदि घर में फ्रीज है, then we keep the food in it, तो खाने को हमको फ्रीज में रखना चाहिए. After some time, कुछ समय के बाद, the hawkers came again. फेरी वाले फिर आए. हरप्रीत एंड राशि अगेन asked to buy something from them. हरप्रीत और राशि ने उनसे फिर कुछ चीजें खरीदने के लिए कहा. Their father made them understand. उनके फादर ने उनको समझाया that we should not eat the food items prepared outside. जो बाहर जो फूड आइटम्स बनाए जाते हैं वो हमें नहीं खाने चाहिए. As those people, कि वे लोग do not maintain cleanliness and proper food hygiene. कि वे सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, और फूड हाइजीन मतलब खाना अच्छा बने, सही ढंग से बनाया जाए, उस बात का ध्यान नहीं रखते हैं. कुछ पॉइंट्स हैं डिस्कस करने के लिए. हाउ डू वी मेंटेन क्लीनलीनेस एंड फूड हाइजीन बाय कुकिंग एट होम. जब हम घर पर खाना बनाते हैं तो किस प्रकार से सफाई का, फूड हाइजीन का ध्यान रखें. तो कुछ क्वेश्चंस, व्हाट इज द लेवल ऑफ क्लीनलीनेस एंड हाइजीन एट दोज प्लेसेस. उन स्थानों पर क्लीनलीनेस, सफाई का और हाइजीन का क्या लेवल है. वेयर द वेंडर्स ऑफ होटल्स, कार्स एंड हॉकर्स कुक फूड. जहां पर फेरी वाले या होटल वाले खाना बनाते हैं. एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स. इन पॉइंट्स को देखें. वॉशिंग ऑफ वेजिटेबल, सब्जी को धोया या नहीं धोया. घर पर तो हम धोकर बनाते हैं, लेकिन वहां धोया या नहीं धोया हमें पता नहीं है. क्लीनलीनेस ऑफ सराउंडिंग एरिया, जहां खाना बन रहा है वहां कितनी सफाई है. क्लीनलीनेस ऑफ द सराउंडिंग एरिया. वॉशिंग ऑफ हैंड्स, जो खाना बना रहा है उसने हाथ धोए कि नहीं धोए. वाटर यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ फूड, जो खाना बनाने के लिए पानी यूज ले रहे हैं वो कितना साफ है. क्लीनलीनेस ऑफ यूटेंसिल्स, जिस बर्तनों में खाना बन रहा है क्या उन्हें साफ तरीके से धोया गया है. ये सारी बातें फूड हाइजीन की है. फूड इज स्टोर्ड इन कवर कंटेनर और ओपन. खाना बनाने के बाद उस खाने को खुला रखा है या उस पर ढक्कन दिया गया है. ये सारी बातें फूड हाइजीन में आती है. कुछ पॉइंट्स हैं. आर द फूड प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट न्यूट्रिटियस और नॉट. खाने का, जो खाने की चीजें मार्केट में मिल रही है, जो अवेलेबल है, क्या वो पोषक तत्वों वाली है या नहीं है. ये सारी बातें हुई इन पेरेंट्स और हरप्रीत और राजी के साथ. और उसके बाद ट्रेन चलते हुए, ट्रेन ने हॉर्न दिया और ट्रेन पहुंच गई जयपुर. और जयपुर ट्रेन से उतरने के बाद जो बातें हुई. आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी दे रीच्ड ग्रैंडमा हाउस. और ग्रैंडमा के घर पर पहुंचने के बाद जो बातें हुई उसको हम पढ़ेंगे इसी लेसन के सेकंड पार्ट में. और आज का हमारा फर्स्ट पार्ट यहीं तक. थैंक यू.